फिर से एक हॉल वीडियो एंड दिस वन इज गोइंग टू बी माई फेवरेट हॉल वीडियो इतने सालों से मैं मेकअप कर रही हूँ एंड अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो एक दो इधर उधर मेरे पास पैक के प्रोडक्ट थे लाइक पी ए सी के प्रोडक्ट बट आई नवर हैड लाइक अ लॉर ऑफ पैक प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई नहीं किए हैं बट दे आर सो यू नो अप्रिशिएटेड इन द मार्केट दैट आई वॉन्टेड टू ट्राई दम आउट फॉर सो लॉन्ग बट इतना मेकअप था कि मैं नहीं खरीदती थी क्योंकि रखी रखी चीजें एक्सपायर होने से अच्छा कि जो है पहले मैं उनको यूज करके खत्म करूँ जो कि कभी भी नहीं होता है एंड दैट इज द रीजन आई नेवर इन्वेस्टेड इन पी एसी के प्रोडक्ट बट फाइनली 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 नाउट आई एम मेकिंग माई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वानिटी मुझे मौका मिल गया टू इन्वेस्ट इन पी एस सी के प्रोडक्ट्स बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ माई वैनिटी प्रोडक्ट्स तो मैंने पी एस सी के काफी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड लाइक लव दिस ब्रांड इनकी मार्केटिंग पैकेजिंग सब मुझे इतनी पसंद थी कि मुझे ट्राई करने थे यार इनके प्रोडक्ट्स बहुत टाइम से फाइनली मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं uh, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने टीरा से मंगाई हैं कुछ चीज़ें मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाई हैं क्यों वो मैं आपको आगे बताती हूँ बट येस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस हॉल वीडियो सारे प्रोडक्ट्स पैक के ही हैं सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल टेक अ मोमेंट हितट रेट सब्सक्राइब बटन Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. डिस्क्लेमर दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल सब कुछ मैंने अपने पैसों से खरीदा है बट सारी लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग चेकआउट कर ही सकते हैं और एम आर पी सारे प्रोडक्ट्स की मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी क्योंकि मैंने सब कुछ ही फुल प्रा, प्रा, प्राइस पे खरीदा है पैक पे नहीं लगता है और ऑफर बहुत से बहुत पांच परसेंट का ऑफर आ जाता है नायका की बड़ी वाली सेल पे उससे ज्यादा पी एस सी पे मैंने कभी भी ऑफर नहीं देखे हैं बट यह सभी उनकी वेबसाइट पे ऑफर चल रहे थे ये जो टूल्स होते हैं ना लाइक ब्यूटी ब्लेंडर कॉटन

कार्डबोर्ड बॉक्स में नहीं आया था बट अंदर से सारे ही प्रोडक्ट्स एकदम अच्छे से बबल रैप थे प्लास्टिक यूज था बट यस दे सेफ तो पैकेजिंग वाइज ओके okay. वेबसाइट वाइज मुझे इनकी सर्विस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बिकॉज ऑर्डर प्लेस वगैरह सब कुछ स्मूथली हो गया था बट वहाँ पे कोई ट्रैकिंग डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ऑर्डर कंफर्मेशन का बट ऑर्डर शिपमेंट का मुझे कोई मैसेज नहीं आया था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है कब पहुँचेगा एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट कुछ भी नहीं पता था एंड इनकी वेबसाइट में भी ऑर्डर डिटेल्स में ये चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है सारी वेबसाइट्स पे होता है बट पैक पे ये नहीं था तो दैट इज समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक बट फॉर द प्रोडक्ट्स सबसे पहले मैंने ये मंगाया है मिस्टर एंड मिसेस बाउंस का सेट द नेम इज सो क्यूट एंड द प्रोडक्ट्स आर इवन क्यूटर तो पी के जो ब्लेंडर्स हैं इनका मैंने काफ़ी सुना था मुझे सेल पे मिले तो मैंने खरीद लिए मेरे पास काफ़ी सारे ब्लेंडर्स हैं टू बी ऑनेस्ट बट मुझे ये रखने थे अपनी वैनिटी में बिकॉज मेरे ब्लेंडर्स में ऐसा केस किसी में भी नहीं है एंड इट इज़ यू नो हाइजीनिक क्योंकि आपका ब्लेंडर इसमें ड्राई हो जाएगा अच्छे से वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा तो अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगी सो दिस इज मिस बाउंस एंड ऑब्वियसली शी इज इन पिंक कलर एंड लुक एट दिस यहाँ पे एकदम क्यूट सा इफ यू कैन सी फेस भी बना हुआ है हार्ट आईज एंड अ स्माइली सो दिस इज मिसेस बाउंस एंड ये बहुत ही ऐसा यू नो यूजुअल वाला टीयर ड्रॉप वाला शेप है बट नीचे से इसका फ्लैट बॉटम है एंड ये वो यूजुअल वाले मेकअप uh, ब्लेंडर्स नहीं है ये वेलवेट वाला है आप देख सकते हो और मैंने ऐसा वाला ब्लैंडर प्लूम का यूज़ किया है जो कि अब प्रॉश ब्यूटी हो चुका है तो मुझे ये वाले ब्लेंडर्स काफी अच्छे लगे थे क्योंकि कंपेयर टू द नॉर्मल वाले ब्लेंडर ये प्रोडक्ट कम ऑब्जॉर्ब करते हैं मैंने जब वो ख़राब हो गया था ना मैंने उसको कट करके भी देखा था उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं था जितना भी था ऊपर सरफेस पे ही दिख रहा था डिजन डू नॉट ऑब्जॉर्ब प्रोडक्ट दैट मच एंड ऑल्सो ये काफी ज्यादा आपके बेस को फ्लॉलेस ब्लेंड देते हैं तो मुझे वो वाले ब्लेंडर्स से ज्यादा ये वाले पसंद थे बैक इन द डे जब मैंने वो वाला यूज किया था तो मैंने सोचा कि ये मंगा के देख लेती हूँ मुझे अच्छा ही लगेगा आई एम श्योर एंड दिस वन इज मिस्टर बाउंस इन ब्लू कलर मतलब इतना कॉमन कर दिया ना लड़कियां तो पिंक ही पहनेंगी एंड लड़के ब्लू ही होंगे भाई ठीक है कोई नहीं बट यस दिस इज द क्यूट फेस यहाँ पे एकदम एकदम स्मार्ट डूड बना हुआ है एंड ये वाला जो शेप है ये यहां से ऐसा कट वाला है सो यू कैन यू नो यूज इट फॉर कॉन्टोर एंड दैट परपज तो दोनों का शेप अलग है एंड दे फील सुपर सॉफ्ट सुपर 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 सॉफ्ट मुझे ब्लेंडर uh, मतलब मैं यूजली कोई भी यूज कर लेती हूँ आई डोंट हैव दैट प्रेफरेंस बट यस ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है प्लूम के भी मेकअप ब्लेंडर सेम ऐसा ही था मुझे अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है बट इसे यू uh, नो you know, एक बार मैं वेट करके देखूंगी कि ये साइज में कितना ग्रो होता है तो आपको रिव्यू किसी भी प्रोडक्ट का चाहिए होगा तो नीचे कॉमेंट्स में बताना आज मैं आप लोगों से सिर्फ हॉल शेयर करने वाली हूं क्योंकि मैंने भी अभी तक ये प्रोडक्ट्स खोले हुए नहीं है देन आई गॉट दिस पाउडर पफ अब ये काम आता है फेस को पाउडर करने के एंड ऑल्सो अपनी फिंगर में इस तरीके से पहनने के वेन यू नो यू डू योर मेकअप ताकि एक बार बेस मेकअप लग जाए तो वो खराब ना हो एंड यू कैन वर्क लाइक दिस तो मैंने ये वाले मंगा लिए मेरे पास यूजली uh, मैं जो भी यूज करती हूँ मेरे पास ट्राइंगल वाले है द पिज्ज़ा पफ उनसे ही मैं पाउडर लॉकिंग करती हूँ क्योंकि वो अंडर आईज मैंने एकदम प्रिसाइसली कॉर्नर्स में चले जाते हैं सो uh, so, इसलिए मैंने इस बार फॉर अ चेंज आई गॉट दिज राउंड वंस अगर मैं कंपेयर करूं अमेजोन वाले जो मेरे पफ्स हैं और ये वाले जो पफ हैं ये कम्पेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा थिक है एंड कुछ नहीं है बट जो मैंने ब्रॉन्सन का और लास्ट हॉल वीडियो मैंने आप लोगों को मार्स का दिखाया था वो भी ऐसा ही है तो उस मैटर में मुझे इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है बट येस ये उससे बड़ा है साइज में एंड इट इज राउंड तो सिर्फ यही डिफरेंस है बाकी तो यूज में तो सारे ही आ जाएंगे नेक्स्ट I got this uh, pack of four mini blenders. Mini blenders मेरे पास अभी तक मैं इतना ज़्यादा use नहीं करती थी to be very honest. But जो मैं use करती भी थी वो Amazon के ऐसे generic brand के थे, ऐसे कोई particular brand के नहीं थे. But for my vanity, I just wanted to give everything you know good quality. तो ये ऐसे चार हैं, ऐसे red color के. And इनकी जो shape है ये वाला ऐसा शेप का है जो कॉमन वाली शेप होती है ये भी ड्रॉप शेप का है देन ये वाला नीचे से से एंगल्ड कट वाला है इफ यू कैन सी इस तरीके से है ये एंड ये वाले का मुझे पता नहीं चल रहा दिस वन इज वेरी वियर्ड ऐसा गोल अंडा सा है ये इसमें कोई शेप ही नहीं है अब मुझे नहीं पता कि ट्रांजिट में इसकी शेप खराब हो गई है या इसकी शेप थी ही ऐसी दैट आई डोंट नो बट यस दीज आर फोर मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड अगेन दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट पी के हैं तो अच्छे ही होने थे अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो प्रोडक्ट्स जो मैंने टीरा ब्यूटी से मंगाए हैं एंड एम वेरी एक्साइटेड मुझे ये मिला मेरे ऑर्डर के साथ ये सैम्पल फ्री मिला ये ग्लाइकोलिक ब्राइट लॉरियाल का सीरम uh, है मैंने ट्राई नहीं किया तो सैम्पल में मैं ट्राई कर लूँगी पी सी का सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये लैश फिक्सर मैंने ये ट्रांसपेरेंट वेरिएंट में मंगाया है अभी तक मैंने लैश फिक्सर जो यूज़ किया था वो मिस क्लेयर का यूज़ किया था दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक मिस क्लेयर वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा बट uh, मैंने उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है एंड वो रखे रखे ड्राई हो गया था तो मुझे नया मंगाना ही था तो मैंने इस बार पी का मंगा लिया बिकॉज काफी लोग बोलते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के काफी सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं तो मैंने सोचा ये मंगा के एक बार देख लेती हूँ एंड आई कैन कंपेयर की दोनों में से कौन सा बेटर है ऑब्वियसली वो इससे काफ़ी सस्ता है दिस वन इज एक्सपेंसिव बट इट इज़ यू नो हाइप्ड तो मुझे देखना था कि क्या ही डिफरेंस है नेक्स्ट आई गॉट दिस टू वे जेल तो ये ग्लिटर्स वगैरह को पेस्ट करने के काम आता है पिगमेंट के इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आता है अगेन दिस वन इज वेरी यू नो वेल गुड रिव्यूज है इसके तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है अभी तक यूज नहीं किया है मैंने टू वे जेल क्योंकि एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो मैंने लूज ग्लिटर्स अभी तक यूज ही नहीं किए हैं ऑल एव यूज इज प्रेस्ड क्लीटर एंड उसमें आपको ग्लू की या टू वे जेल की जरूरत ही नहीं पड़ती है नेक्स्ट आई गॉट दिस आईब्राउ डिफाइनर इसमें चार शेड आती है आप ऑनेस्टली किसी भी ब्रांड का ले सकते हो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पाउडर वाले मतलब आईब्राउ पाउडर होते हैं ना सारे ब्रांड्स के अच्छे होते हैं बट दिस इज़ वट द पी ए सी वन लुक्स लाइक पहले मैं मिस क्लेयर वाला मंगा रही थी बट उसके और इसके प्राइस में ना सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ का ही फर्क था तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही वाला मंगा लेती हूँ क्योंकि अकेडमी में भी हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं एंड इट वर्कस गुड तो मैंने सोचा ये मंगा लेती हूँ इसमें एक ब्लैक डार्क ब्राउन वॉम ब्राउन और एक uh, उससे और थोड़ा सा लाइट कलर है एंड ऑल्सो इसमें कि ब्रश आ जाता है तो इवन इफ कभी आप अपना ब्रश भूल जाते हो तो यू हैव समथिंग टू वर्क विथ एंड इट इज अ गुड क्वालिटी ब्रश इट लुक्स प्रिटी डिसेंट इस साइड एंगुलर ब्रश है टू यू नो फेल योर आईब्राउज एंड इस साइड है टू ब्रश योर आई हेयर सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट क्योंकि इसको तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ अकेडमी में तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है आप चेकआउट कर सकते हो नैक्स्ट आई गॉट समथिंग जो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी दिस इज का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर आपको इस वीडियो में ना मेरे ऐसे खुशी अलग ही दिख रही होगी आई एम जस्ट आर्टिंग लाइक अ किड जिसको नए खिलौने मिले हैं बिकॉज इट इज लिटरली दैट फॉर मी एंड लुक एट दिस फिक्सर आई गोट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर आई टेल यू बाय

जैसे मैंने इसे प्रेस किया ना आई एम लाइक गॉड दैट एक्चुअली मुझे ऐसा ऐसा लगता था यार किसी भी फिक्सर के साथ ऐसा नहीं होता है इसमें ऐसा ही भी क्या है बट इट एक्चुअली वर्क वेरी गुड फिक्सर इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं एंड uh, इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट एंड सी कि कितना अच्छे से मेकअप को लास्ट लॉन्ग लास्ट करता है लास्ट मेरे पास ये दो प्रोडक्ट बचे हैं एंड आव बीन वेटिंग फॉर दिस ऑर्डर जस्ट टू ट्राई आउट दीज टू प्रोडक्ट्स इनके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं आई हैवंट ट्राइड दिस आउट फॉर माय सेल्फ बट जो इसका रिजल्ट मैंने देखा आई वाज लाइक आई नीड टू गेट दिस ओह माय गॉड मैंने क्यों ये चीजें इतने टाइम से ट्राई नहीं की थी बट एनीवेज दीस आर द पैक पिगमेंट टावर और मैंने ये दोनों ही शेड्स मंगा लिये इसमें दो शेड्स आते हैं एक न्यूट्रल है और एक पॉप ऑफ कलर है सो दिस इज़ इन द वेरिएंट जीरो वन एंड आप देख सकते हो इसमें सारे ऐसे न्यूट्रल कलर्स हैं इट इज अ क्रिस्टल व्हाइटर लाइट गोल्डन वेरी यू नो ब्राइट बोल्ड गोल्डन कलर यू नो शैम्पेन कलर कॉपरी कलर एंड दिस

एंड इसमें काफी सारा एक्स्ट्रा पिगमेंट बाहर लगवाया था तो अब मैं फिर से पूरी चमक जाऊंगी बट दिस इज वॉट दिस वन लुक्स लाइक इसमें ऐसे शेड्स हैं यू गेट अ ग्रीन पिंक रेड ऑरेंज अः ब्राउन्स कलर येलो uh, वाला गोल्डन कलर दिस दिस वाइट हो सकता है आपको कैमरा में देख के लग रहा हो कि ये यू you नो know, इसकी जो शेड्स हैं काफी सारी रेपेटेटिव हैं, बट नो no, कोई भी शेड रेपेटेटिव नहीं है यू कैन सी दे इज आर वेरी डिफरेंट काफी ज्यादा अच्छा है मैंने इसे हैंड वॉच करके देखा एंड आई फेल इन लव अगर आप भी मेरी तरह हो जिनको ऐसा लगता है कि प्रेस्ड शिमर और लू शिमर में कोई डिफरेंस नहीं होता डार्विंग योर मिस्टेक इन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एंड आई हैंग ऑन दीज प्रोडक्ट्स फॉर गॉड नोज हाउ लॉन्ग बिकॉज मुझे लगा सेम ही होता है सो आई हैव बिन ट्राइड आउट एनी ऑफ द लूज पिगमेंट्स आउट देर इन द मार्केट काफ़ी सारे और भी ब्रांड्स के अवेलेबल थे बट बिकॉज इसमें मुझे काफ़ी सारे शेड ऑप्शन मिल रहे थे एंड सेवन मिले हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हंड्रेड के अराउंड सो आई थिंक इट वॉज अ प्रटी गुड डील लाइक डील तो नहीं था एम ही वही है मुझे कोई ऑफर नहीं मिला इन प्रोडक्ट्स पे मैंने फुल प्राइस पे ही खरीदे हैं बिकॉज पे नहीं मिलते यार, अगर आपको पी एस सी पे ऑफर मिल रहा है ना तो समझ जाओ कि यू आर द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई परचेस सो फार सो गुड मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं फर्स्ट uh, इंप्रेशन काफी अच्छा है बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट इज पी एसी इट इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड फॉर ऑल द राइट रीजन एंड आईम वेरी वेरी एक्साइटेड ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके लुक्स क्रिएट करने के लिए अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट के रिव्यूज या स्वचेज चाहिए वो मुझे कॉमेंट्स में बता दो मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी एंड येस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई शैल सी यू सुपर सुपर सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय